नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सरस आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शैलेंद्र सरस में। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय पर एक वैश्विक महामारी चल रही है जिसको कहते हैं कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से बचाव करने के लिए कुछ एक मैं यहां पर आपको योग के अभ्यास बता रहा हूं। एक योगाभ्यास होता है शीर्षासन। आसनों का वो राजा कहा जाता है। शीर्षासन जो होता है वो समस्त आसनों में सर्वोपरि रहता है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि शीर्षासन को कैसे लगाना चाहिए और इससे क्या लाभ होते हैं। तो पहले मैं आपको लाभ बता दूं, शीर्षासन से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का विकास होता है, नेत्र की ज्योति बढ़ती है, बालों की कांति आती है, चेहरे पर चमक बढ़ती है और पेट हमेशा सही रहता है। तो इस तरह से इसके कई लाभ हैं और साथ साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो बहुत अच्छा बढ़ाता है। तो साथियों, शुरू करते हैं शीर्षासन। तो जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि करते समय तो मैं बोल नहीं पाऊँगा, तो आप उसको देखते रहिएगा किस तरह से शरीर को झुकाते हुए सर नीचे और पैर ऊपर किए जाते हैं। तो देखते हैं क्या रहती है इसकी क्रिया विधि। सबसे पहले तो हम वज्रासन में बैठ जाते हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मुझे बैठे हुए वज्रासन ये है। वज्रासन के बाद में इस तरह से हम हाथों को लगाते हैं और हाथों की जो यहाँ पर ये जगह है, यहाँ पर अपने सर को रखते हुए सर रखकर पैरों को पीछे से उठाया जाता है। इस आसन से बहुत से लाभ होते हैं। आसन को प्रारंभिक अवस्था में 1 मिनट 2 मिनट, धीरे धीरे 5 से 10 मिनट तक करना चाहिए। 10 मिनट से ज़्यादा बहुत ही जब अभ्यास हो जाए तो करना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा नहीं करना चाहिए। शीर्षासन के बाद में थोड़ी देर के लिए शवासन को करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि शीर्षासन से जो नस नाड़ियाँ और जो धमनियाँ हैं वो उल्टी विपरीत दिशा में चलती हैं। इसलिए लेट कर शवासन कर लेना चाहिए या इस तरह से आराम से बैठकर कम से कम 5 लंबी सांसों को भरना और छोड़ना चाहिए, जिससे कि पूरे शरीर को आराम मिल जाए। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।